हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के विजिटर वीजे के बारे में। क्योंकि कनाडा की तरफ से 2022-23 में अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं विजिटर वीजे पे, तो आपके पास बैंक में सफिशिएंट फंड होने चाहिए, तो इजीली आपका वर्क जो विजिटर वीजा है वो लग सकता है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 दिन से लेकर 45 दिन का टाइम होता है। इसमें क्या है, आपको आईलेट्स की जरूरत नहीं है, आपके बैंक में बस सफिशिएंट फंड होने चाहिए, तो आप विजिटर वीजे पे कनाडा जा सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि विजिटर वीजा किन किन लोगों का लग सकता है। तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है आज की वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कनाडा के लिए विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में रह रहा है और उनकी सालाना आमदन जो है वो 32,000 कनेडियन डॉलर है, तो वो और उसका जो करेक्टर है वो बिल्कुल सही है और उसका वो बैंकक्रप्टी नहीं होना चाहिए कनाडा में, तो आप वो जो आपका रिलेटिव है ना वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है। अगर वो आपको स्पॉन्सर करेगा तो आप इंडिया से कनाडा इजीली जा सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है, अगर कोई लड़का या लड़की कनाडा में पढ़ने के लिए गया हुआ है और उसका करेक्टर बिल्कुल सही है, तो आपके पास अगर बैंक में सफिशियंट फंड हैं तो भी आप विजिटर वीजे पे कनाडा जा सकते हैं। अगर आप विजिटर वीजे पे कनाडा जाकर हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो भी आप विजिटर वीजे पे वहां जा सकते हैं और हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपके माता पिता कनाडा में परमानेंट सिटीजन हैं, वहां पर रेजिडेंट हैं या सिटीजन हैं वहां के, तो भी आप विजिटर वीजे पे कनाडा जा सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है और वो बिजनेस सरकार के पास रजिस्टर्ड है और आपने बैंक इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, तो भी आप कनाडा विजिटर वीजे पे जा सकते हैं और वहां जाकर अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में 2 साल का वर्क परमिट भी ले सकते हैं और इसके बाद वहां पर अपनी पीआर ले सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है कनाडा जाकर सेटल होने का। उसके बाद आगे है कि अगर आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी हुई है, तो भी आप विजिटर वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बेटा या बेटी कनाडा में है और उनका इन फ्यूचर कोई बेबी होने वाला है या फिर उनका कोई 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो भी आप उन्हें संभालने के लिए विजिटर वीजे पे वहां जा सकते हैं। मींस के 2022-23 में इजिली आप विजिटर वीजे पे कनाडा जाकर कनाडा घूमने के लिए जा सकते हैं और आपका वहां विजिट करने का बहुत ही अच्छा साधन बन सकता है 2022-23। इसके रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल में अगर आपने जानकारी लेनी है तो आप हमारे पटियाला ऑफिस में हमसे आकर मिल सकते हैं, आपको बिल्कुल सही जानकारी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली दी जाएगी, क्योंकि सबकी प्रोफाइल सेम नहीं होती, तो आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं या फिर हमारे पीछे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही सलाह दी जाएगी। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो लोग विजिटर वीजे के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 2022-23। थैंक यू।